आज हम बात करेंगे कंधे के जोड़ के पास की हड्डी ह्यूमरस में होने वाले फ्रैक्चर के बारे में, जिसे हम प्रॉक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर कहते हैं। यंग पॉपुलेशन में यह फ्रैक्चर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या जमीन पर गिरने से, या ओल्ड एज में जमीन पर गिरने से या उस जगह पे कुछ चोट लगने से हो जाता है। इस फ्रैक्चर का मरीज जब हमारे पास आता है तो उसे तेज दर्द, सूजन, फ्रैक्चर जहां हुआ उस जगह की स्किन का कलर चेंज और मरीज उस हाथ को हिलाने में असमर्थ रहता है। ऐसे में मरीज का जो फ्रैक्चर हिस्सा है उसमें हम प्लास्टर लगाकर उस हाथ को स्टेबलाइज करते हैं, जिससे वह और ना हिले, मरीज को और दर्द ना हो। और दर्द एवं सूजन का इलाज करने के बाद हम आगे का इलाज एक्सरे या सीटी, जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन के आधार पर निर्धारित करते हैं। अगर हड्डियां दो भाग में टूटी हैं, हम यह देखते हैं कि हड्डी दो भाग में टूटी है या तीन भाग में या चार भाग में टूटी है या बहुत छोटे छोटे चूरे में है, उसके हिसाब से हम उसका आगे का इलाज निर्धारित करते हैं। अगर ये हड्डी दो भाग में टूटी है और अनडिस्प्लेस्ड है तो हम इसका इलाज पट्टे के द्वारा करते हैं, जिसमें चार हफ्ते का पट्टा लगाकर और मरीज को उसके बाद फिजियोथेरेपी कराई जाती है। बस इसमें थोड़ा नी जो आम होता है उसका शोल्डर का स्टिफनेस होने का, ज्वाइंट का खतरा रहता है। और अगर फ्रैक्चर टू पार्ट है या थ्री पार्ट फ्रैक्चर है, या हड्डी तीन से ज़्यादा चार पार्ट में टूटी हुई है या बहुत कम्युनेटेड है, तो हम उसमें यह देखते हैं अगर टू पार्ट फ्रैक्चर है, थ्री पार्ट या फोर पार्ट है, अगर यंग है पेशेंट तो उसे हम प्लेट के द्वारा बैठा के हड्डी को फिक्स करते हैं और आगे बाद में फिजियोथेरेपी चालू कराते हैं, जिससे मरीज ठीक हो जाता है। और अगर ये हड्डी बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में टूटी है, जिसे हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, और अगर ओल्ड एज है तो हम इसमें जो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, इसलिए हम कहते हैं, उस जोड़ को बदलने की सर्जरी करते हैं। अगर यह सर्जरी समय पर ना कराई जाए या सही से ना कराई जाए तो कंधे का जोड़ जाम होने का या हड्डियां आड़ी टेढ़ी जुड़ने का या सही से ना जुड़ने का खतरा होता है, या फिर उस जगह की ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, जिसमें आगे भविष्य में उस जोड़ को बदलने की सर्जरी करानी पड़ सकती है। धन्यवाद।